नहीं ठीक है, फिक्र ना करो, रोज कर देना, रिकॉर्डिंग कर देना हर रोज। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم وسعديك اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین کرام، برادر محترم مولانا غضنفر اللہ صاحب، तबरीक और तहसीन दे मुस्तहिक है। मैं इन्हां लई बरकत दी दुआ करदा कि अल्लाह ताला ने इन्हां तौफीक दिती कि इन्होंने दीन दा एक बहुत अहम और मजलूम मौजू जिहड़ा मेरे लिए मुनसब कीता, बहुत आला मजमून, मगर बदनसीबी कि उहदे नाल जुल्म हो रहा। महीने गुजर जाते, खुलाफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस होंदियां, मकाम सहाबा बयान हुंदा, मकाम अहले बैत नूं नज़रअंदाज किया जाता। हालांकि सारे इलम वाले लोग जानते हैं मैं कुरान मजीद च अहले बैत का तज़किरा, मैं कारी साहब नूं तदे मैं आख्या सी कि सूरा अहज़ाब का यह हिस्सा तिलावत करो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज़्ज़ा अहले बैत, कुरान का बयान है। ये नहीं भी कोई एवं किसी फिरके का या गिरोह का, कुरान ने अहले बैत का तज़किरा किया और रसूल करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम तो अहले बैत की फजीलत बेशुमार सही हदीस है। सारे गिरोह नूं छड़ के लानत भेज के इन्हों दिनों सिर्फ अहले बैत के फजाइल ही बयान करते जान, जो सही बुखारी के अंदर मना के मुकराबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह के करीबियों के फजाइल, या तुसी अपने दिलों टो के वेखो कि किते किसी दूसरे की दुश्मनी तुहाडे अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं पैदा होगी कि नाराजगी किसी ग्रोह ना तो तुसी रसूलुल्लाह के खानदान ने दुश्मनी बोल ला रही। ऐसी अगर बीमारी दे कोई जरासीम नजर आते हैं तो तौबा करो, ये कोई गल नहीं। ला जरे मन्ना कुमशना अल्ला अल्लाह ताजरू किसे फिरके और ग्रोह ना नाराजगी और बकवास करता तो नतीजा यह होना चाहिए बे आदमी बेइंसाफ हो जाए कि वह सहाबा किराम नहीं मनते दसी जाए बैत नहीं मनना। कोई करना भी गल अपना करना फूको, उन्होंने कर दो जो कर दे आपे खुदा जवाब देंगे। तुम अहले बैत में भी उदा ही मनते जे साहब नबी मनते तोड़िया मजलसा जहाँ दोनों का तस्करा खुले दिल ना होना चाहिए, ये दिल तंग नहीं होने चाहिए। मगर वेख रहो तुम होर सब दे बयान होंगे जाते और गजब की गल है जब रोना आता मजलूम कि आ जमाना मुहर्रम का जरा हज़रत उस्मान रज़ी की शहादत शुरू हो जाती है, हज़रत उमर रज़ी की शहादत शुरू हो जाती। हालांकि सारे आले इलम जानते भी दोवें शहादत ज़िलहज च हुई, जरा पिछला महीना गुजर गया 26 ज़िलहज में हज़रत उमर रज़ी शहीद होया और हज़रत उस्मान रज़ी इस तुम पहला शहीद है। उस महीने ही तुम शौक पूरा करो, इन्हों दिनों बाईपास कर ली भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी की गल ना करनी पवे, इधर उधर गल करके टाल दें। ये बड़ा रोग है जिहदा इलाज होना चाहिए, ये दूसरे ना रो अपने आप को दुरुस्त करो। बल्ला को नहीं जाना, कुरान नहीं तुसी पढ़ रहे, सही बुखारी मना के मुकराबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे ना बाब असहब फजाइल वखरे रसूलुल्लाह के करीबियों के फजाइल। और उत्थे करीबी कौन है? हाफिज़ इब्न हज़र रहमतुल्लाह फरमाते सिर्फ जिहड़े औलाद अब्दुल मुत्तलिब चों इस्लाम ले आए या उन्होंने हजूर वेखे, ये करीबी हजूर के दादे की औलाद जेडे आले अली आले जाफर आले अब्बास आले हर्ष इस्लाम का जमाना पाया वो मर्द औरत है आप दे दादी की औलाद है आपन वेख्या इस्लाम द उन्होंने तस्करा इस अंदर और एडा आला है मजमून। कारी साहब अल्लाह की तरफों बहुत रहमत सही जना सिद्दीक अकबर जी फरमाते और कबू मुहम्मदन फी अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों
जे तुसी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनदे जे अल्लाह दे रसूल नाल तुहाडा प्यार आ ते रसूल अल्लाह दा ख्याल रखो उन्हां दे रिश्तेदारां दे बारे जिहड़े हजूर दे लाडले आ हजूर दे दिल दे टुकड़े आ ओह रसूल अल्लाह पर उन्हां नाल मुहब्बत करो तुहानूं की हो गया कि तुसी होर किसे रोगी टोले नूं देख के खुद ही बीमार हो गए कि सारा कुछ बयान करना कुछ ना बयान करना करबला करना यजीद कर सिर्फ इन्हां जरा बुखारी शरीफ खोल लैन मुस्लिम शरीफ खोल लैन तिरमिज़ी शरीफ खोल के फज़ाइल अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल अल्लाह के खानदान के लोगों की जी फजीलत है खुले जरा बयान कर तो मैं यकीन ना तुहानूं आना यह बीमारी का इलाज गलत कर दे मजलसा सब दे रौनक हो जाए और ये जलूस खत्म हो जाए जे तुहाडियां मजलसां मस्जिदां जिन्हां दिनां च अहले बैत दा तज़किरा लोग मन जाण कि वह झूठे है वह गंदला पानी लोगों को पिला रहा अपनी मजलसा साफ सुथरा पीना जमदम जाओ साडी मजलसा असीं तुहानूं सही हदीसां सुनाई मगर जो तुसीं कनी इस तों कन लपेट लैंदे जे नहीं बयान करदे लोग चौं सिर चा भी आखिर यार इमाम हुसैन दा की किसा सुन चले जाते हैं गुमराही का शिकार हो जाते जे तुसीं सही तरीके नाल शान बयान करी जाओ जिहड़ी कोई नवीं गल करन दी लोड़ नहीं जो रसूल करीम अलैहि सलाम ने फजाइल बयान फरमाए वह बयान कर दी मुस्लिम शरीफ च फजाइल अहले बैत दा अलहदा बयान है बुखारी शरीफ मदाकिबे किराम ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ देख लो तो मैं तुहाडे सामने एक बहुत बड़े फितने तो आगाही तुहानूं देना चाहुंदा कि लोगों ने टोंग रचाया जे सही गल तो हटाउणा होवे ना एक ऐसी गल उहदे नाल चपेक दिओ वे लोग हैं है गल मसलन जदों असीं तौहीद बयान करांगे एक ग्रोह ने अपने को ही गल कर ली है कि गुस्ताखी है रसूल तौबा 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 दसो कोई मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का सोच सकता मगर तौहीद दा जदों बयान होवे कि गैब सिर्फ अल्लाह कुमार उहनूं ना दे देणगे ये तो लोग गुस्ताखे रसूल सारे साडे कीते कतरे दे पाणी फिर कुरान हुंदा अजे इन्ने ना जहरीला फिकरा कि गुस्ताखे रसूल इसे तरीके जदों असीं लोगों नूं सुनन की दावत देने एक ग्रोह कहिंदा इह लोग आइमां दे गुस्ताख अरे नेक लोग उम्मत के गुजरे गुस्ताख यानी फिक्रे घड़े है कि लोगों को बदजन कर रही और इसे तो आए बैद के फजाइल बयान आने लोगों को कह रहे हैं साहबा की गुस्ताखी कादी साहबा की गुस्ताखी साहबा भी सर दे ताज है रसूल का खानदान भी ताज सिर्फ नफरत दिलाने और इस जमाने जिन्ना बेड़ा गर्क दीनी मदारस का आया दज्जाल पैदा होया मैं इस मदरस बह के आना महमूद अहमद अब्बासी पैदा होया जिन्हों इन्होंने लोगों ने आख्या इमाम उल मुअर्रखीन और वह चेला उठ कराया जरा देवबंदी फिर अहल हदीस बन के आ रही कोई नहीं हकीम फैज आलम सिद्दीक जिनी तलाशी लो हर मौलवी के कोलों की किताब छपी शर्म करनी चाहिए लोगों को जिन्हें सही बुखारी में आख्या खतां की पढ़ी जिन्हें मुस्लिम शरीफ में आख्या बकवास ला मजमूआ तुम उस किताब में पढ़ दे सिर्फ इस तो यजीद की तारीफ की यजीद का नाँ लैके पूरा जहर उतारता दिला कि बुखारी जो अंदर लिखा कि हजरत आयशा रज़ी उम्र छः साल कि बुखारी जी आती हजरत आयशा पिछे रह गई उत्तर बुखार लगा यानी तयशुदा गल्ला उम्मत दियाँ तफसीर पढ़िया कम से ब कह बकवास है सर यह बुखारी है मुस्लिम बकवास से मजबूर है उन्होंने हजम करी जाए सिर्फ यजीद बछड़ा बन गया कि यजीद में चंगा कही जाता और ये परदे चाहे बैद तो हटा के सही बुखारी और सही मुस्लिम तो हटाई है मैं ताजा ना कि हदीस तो हटाने लिए लोगों ने कई हरबे इख्तियार किए जहाँ चेक भी है कि सहाबा के नामूसा ना लो कि यार हदीसा ने मनिया तो सहाबा किराम से बड़ा तान हो गुलाम अहमद परवेज ने एक पूरा मजमून लिखा हदीस उस सकीफा तो यह बुखारी शरीफ है लिखा रसूला की फात तो बाद सहाबा सकीफा लड़े से और इस जरिए ने कोशिश की हदीस तो बदजन करता जाए बाकी लोग मुतासर हो जाते कि सही बुखारी चे लिखा किसी खुदा के बंदे ना किया भाई अगर लिखा है तो जो वो सही है तो असं क्यों रद्द करिए इंसान है अगर वो नाराज हो गया कोई भी गल इस पारों अगर तुम फिर वे भी फलान बचा भावें कुरान का इनकार हो जाए हदीसा तो तबाही एक कोई शायद नहीं अल्लाह के रसूल ने जो कि फरमाया सारे मानो ये बुखारी शरीफ खोलो मुस्लिम खोलो हदीस की किताबं खोलो और हर बैद के बारे इलम वाले लोग भी बैठे है उन्होंने काम दल मैंने ये कोई नहीं होंगे मजमा कहना दो बंदे भी होना मैं अपनी गल उन्नी जोर ना कहनी होंगी जिन्ना मजमे च मैंने मजमाबाजी ना कोई नहीं बात मेरी पहुँचनी चाहिए इन शाला मशरे मगरज पहुँच रही है किसी के राजी नाराज होने की गल नहीं बहो और बात किसी गल से कोई शक कोई शुभा तो हक हासिल है वह हवाला मंगो सबूत रहो तो हर बैद के बारे और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो लफ्ज है कुरान हदीस आउंदे आल आउंदा अहल बैत आउंदा आल अरबी जबान अलिफ वार लाम चुन के आला यूरज कोई बंदा भी जिहदे नाल किसे किस्म दा किसे दा तअल्लुक आ ओहदा दोस्त आ
वो पैरोकार है, रिश्तेदार है, ये सारे लोग अरबी जबान चाल हवा किसी के मगर लगे है, लोग आले फिराउन है, पैरों भी जोड़े आले फिराउन कुरान उन्होंने जेडे किसी के साथी है जिमें रसूला दे साहब है वह भी आले मुहम्मद आँगे, जेडे आपके रिश्तेदार है वह भी आले मुहम्मद आँगे। ये जगह जगह जो देखी जा इतने किने मान चाया अलहदा अलहदा पता लगना इतने तो मुराद की है। जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन सदाकत ला तहिल्लु लि मुहम्मद व आले आले मुहम्मद, के ज़कात हलाल नहीं मुहम्मद रसूल सल्लम की और आप भी आल नहीं। इतने कोई बाकी लोग मुराद नहीं, इतने उम्मत भी निकल गई, इतने होर लोग भी निकल गए, सारे उम्मत मन ली भी इतने मुराद सिर्फ हाशमी रसूल के जोड़े करीबी है उन्होंने ज़कात हराम है, बाकी सारे मुसलमानों की अगर वो गरीब है हलाल हाशमी ने हराम। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सदके की खजूर हजरत हसन रज़ी उठा के मुँह पा ली, आपने फरमाया कखन कखन बेटा थुक दे तेनों पता होना चाहिए कि आले मुहम्मद की सदका हराम है। तो ज़कात हराम है जिस आले मुहम्मद की वह सिर्फ हाशमी, बाकी उम्मत नहीं आती। और कभी इतों भी दायरा तंग हो जाता कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बीवियां आले मुहम्मद है, जिमें सही बुखारी दूजिया सब किताबों आ जाता कि आले मुहम्मद से दो महीने भी लगातार इस तरह नहीं आए कि उन्होंने कणक की रोटी नसीब होए। इतने आले मुहम्मद सिर्फ रसूल के घर बीवियां कोई दूसरी नहीं, इबारत खुद दसदी है मजमून दसता भी इतने की मुराद लेना। अहल बैत भी इस तरह ही है रसूल के घर वाले, ए कुरान मजीद चो कारी साहब पढ़ रहे थे इतने अल्लाह पाक ने आख्या कह ले बैत अल्लाह चाहता कि तुम्हें पाक साफ करे, जरा भी कुरान शरीफ में पढ़े अगों पिछों इतने वह साफ मनूंगा भी इतने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का जिक्र, इतने किसी होर का जिक्र नहीं, ये हजूर अलैहिस्सलाम की बीवियों का बयान हो रहा क्या नबी की बीवियो तुम आम औरत वर्गियां नहीं, तुम पैगंबर के घर जे बापरदा रहो हया ना रहो, अल्लाह चाहता भी तुम्हें पाक साफ वेखे तुम्हारे तब्बा नहीं रखना चाहते। इतने हर बंदा आयात में अगों पिछों पढ़ के मरूम कर सकता कि इतने अहलुल बैत सिर्फ अज़वाजुन नबी रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बीवी है। मगर जब असं हदीस पाक में बहने रसूल्ला की हदीसा रसूल्ला ने यह मुराद लई है, चादर हजरत उमर आयशा रज़ी फरमाउंदियां आप ते काली थी, सही मुस्लिम च हजरत अली आए फातिमा आई हसन और हुसैन आए उन्होंने दाखिल कर रहा और नाल ऐ पड़ी हुई अन्नमा यूरीदुल्लाहु कुमरिस ते नाल अल्लाह आख्या अल्लाह मेरे अहल है इन्हों पाक कर दे मैं पाक करने का हक। इतने लोग इतराज कर रहे कुरान को पढ़िए तो उत्थे जिक्र हजूर की बीवियों का, रसूल्ला हदीस देना चाहन कह रहा है ये मेरे अहल है बैत इन्होंने अल्लाह पाक कर दे, ये तो कुरान और हदीस टकराग है। ए नुकता भी ए बच्चे रिकॉर्ड कर ला कुछ आए जाए इन शाला तकरीर दुनिया जानी है और ये जरिए लोगों के पढ़ते हर दिन अखा अगों हक वादे हो जाए। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम कुरान आंदा है अजवाज नबी हजूर की बीवियां अहल बैत, रसूल्ला ने किसी हदीस भी नहीं आख्या मेरी ये अजवाज इस आयत में जदों पढ़िया इन्हें चौहान ही पढ़िया। तो गल की है ये समझने लिए कुरान मजीद का एक होर मुकाम समझना पैना सूरत तौबा, सूरत तौबा चला तला मस्जिद माफी कि वह मस्जिद जी पहले दिन तो तकवे की बुनियाद पर बनी है वह ज्यादा इस लायक है कि तुम वे खड़े हो। हूँ इन कुरान चो पढ़िए उत्थे जिक्र मस्जिद कुबा का कि मस्जिद कुबा से जेडे मुकाबले मुनाफिकों ने मस्जिद ज़रार बना ली, अल्लाह ने आख्या इन्हों की इस मस्जिद नमाज ना पढ़िए शरारती है, जी मस्जिद तकवा की बुनियाद पर बनी ना खुदा तरसी की खातर पाकीदा मस्जिद कुबा। मगर सही हदीसा जो पढ़ी दा रसूल्ला ने जो लोगों ने पूछा कि यार रसूल्ला कि मस्जिद हजूर ने पढ़ा मेरी ही मस्जिद, उत्थे भी यो टिकरा कि कुरान कुछ कहता हदीस कुछ कहती। आम आदमी बेवकूफ नहीं समझ सकता भाई कुरान ने अजवाज नबी ने अहले बैत किया मस्जिद तकवा वाली जी कुबा क्या उत्थे भी हजूर कह रहा कि मेरी मस्जिद है, इन्हों कह रहा चौन क्या अहले बैत है इनू भाई जी बद तरीके और आता इलम वाले बंदे समझे कि जिड़ी शाय एक बंदे उतरी है मगर वो नहीं सिर्फ अगे भी चल रही है वो लिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उतरी कुबा ही है कि मस्जिद तकवा से बनी है मगर तो आला नंबर से मेरी मस्जिद तकवा से बुनियाद है यह बदतरीके और नंबर अगर आँगी है। इस फरमाया कुरान जी आयत उतरी वह बीवियां नहीं उतरी है मगर यह चार उन्होंने बिलखास ज्यादा अहले बैत है वह भी अहले बैत है मगर उन्होंने तो ज्यादा अहले बैत बदतरीके औला बिल्कुल मस्जिद उससे साल आप तकवा कट के पढ़ो उलमा उत्थे भी परेशान है कि आयत उतरी कुबा ही है अग्गा पिछा मगर लाई हजूर ने जो पूछे अपनी मस्जिद से वो ये समझाने लगे कि जे कुबा की मस्जिद तकवे की बुनियाद पर बनी ना बिल्कुल कुरान ठीक है मगर मेरी मस्जिद उस तो नंबर अव्वल
तकवे की बुनियाद पर बनी। फरमाया बीवियां नहीं है मगर यह चार फातिमा हसन और हुसैन जड़े ये उन्होंने तो ही बतरीके वाला मेरे अहले बैत है। और लोगों ने वेख्या मैं जब मौका आया नबी अलैहिस्सलाम ने सामने करके लोगों ने दसिया मैं सारे तो जरा खास अहले बैत ना मेरे वे चार है। सही मुस्लिम हजरत साहब रवी वकास रजी फरमाते दिल जड़े इन्होंने तंग ना करो वरना जो जुर्म कर दुश्मनों ने साहबा ने उदा का जुर्म है कह रहे बैतना दुश्मनी मुरला लगा और अपने आप में समझदार है मैं हदीस कब आए हदीस तू सही हदीसा का मुनकर हो चलिया। तो रसूले करीम अलैहि सलाम से जो उतरी हजरत साहब फरमाते सूरा आले इमरान ये वफद नजरान आया ईसाई आए मस्जिद नबी ज रसूले करीम अलैहि सलाम ने ठहराया कई दिन उन्हें बहस मुनाजरा हों रहा गल कोई ना मुके अल्लाह पाक ने फिर आयत मुबाहला उतारी मन हादा कफी अल्लाह के रसूल जो हक वाजे होने तो बाद भी झगड़ा नहीं छड़ दे फकुल हूँ इन कह दे हूँ बहस मुनाजरे की जरूरत नहीं हूँ बद दुआ हो ना दुआ बना ना वाह बना हकम असं अपने बेटे बुला लेने तुम भी अपने बेटे बुला लो वनसा ना वनसा हकम असं अपन औरतं लै आने तुम अपन औरत लै वाहन फुसा ना वाहन फुसा हकम अपने जी लै आने तो तुम अपने लै फना पैर फिर गिड़गड़ा के दुआ करांगे फना जल्लाह तआला का ज़मीन झूठा जरा उत्ते खुदा दा अज़ाब आ जाए। रसूल करीम अलैहि सलाम ने उन्होंने सुना दिता कि सवेरे सलाह करके दसा अल्लाह तआला जानदा रसूल करीम अलैहि सलाम ने वही जरिए दसा बे राज सारे पादरी कहते हैं बे नबी वो ही है जरा आवा सिर्फ हक धर्मी कर दिया जो बददुआ तो गल कही ना मुनाजरा इन्हें करी जाना बददुआ तो रख जाना। हजूर अलैहि सलाम ने जब मुबारक की दावत दी उस वे रसूला के कर नौ बीवियां थी सही मुस्लिम करके वेखनी किसे नहीं बुलाया इन्ने होर भी लोग से किसे नहीं बुलाया अली सद्या फातिमा सद्दी है हसन सद्या तो सह खुदा का नाम मनो जितना दूजे बदराह होए उन्ना दे ना हो जाए ए फजाइल है बैत नबी सही हदीसा तो पढ़ो उस वे अल्लाह के रसूल ने इन्हों चौहान को बुला के ईसाइया विखा के आख्या मैं तुम फैसला जो करना करो आ मैनू वेखते जे अल्लाह महाए आहली ए अल्लाह ऐ मेरे असल अहले बैत मैं लाया टुकड़े अपने अगर मैं झूठा तो मेरे से अजाब आ जाए तो यह झूठे जना तय मैदान छड़ गया नहीं उन्होंने। और इस तरह ही रसूल करीम अलैहि सलातो वसलाम ने कमली ची जो हजरत आयशा ने फरमाउंदियां रसूल करीम निकले काला कंबल सी अली फातिमा हसन हुसैन आए उस मौका ने फरमाया अल्लाह महाउलाए अली फातिमा मुहम्मद साहब तहरम ततीरा पाक कर जन्म दिया पाक करने का हक। तो रसूल करीम अलैहि सलाम ने जरा कुरान और हदीस से अहले बैत किया उन्होंने एक अहले बैत है जरा हजूर का पूरा खानदान चाचे ताया की औलाद हुई जिन्हें जड़े मुसलमान हारस की औलाद हुई है अब्बास की हुई है भरावान चो जाफर अली की हुई है ये लोग है जिन्होंने ज़कात हराम है ये उस हदीस मुराद है जी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हज तो वापस लौटे मक्के और मदीने के दरम्यान मकाम आया गदीर खुम उत्थे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने लोगों को कहा कि लोगों सुन लो जैद इब्न अरकम रज़ी ने रिवायत कर दे लोगों ने जाके पूछा भी जैद कोई रसूल अल्लाह की गल सुना उन्हें आख्या यार बुढ़ा हो गया गल्लां गई भुल मगर एक नहीं मैं भुल सकिया वो ऐसा हम वाकया कि ऐसे बुढ़ापे मैनू याद है कि उत्थे अल्लाह के रसूल ने सानू इकट्ठिया करके आख्या इन्ना माना बशर मैं एक इंसान ही हाँ यूसुफ कहीं याद जानी रसूल रब्बी हो सकता कि मौत का फरिश्ता आ जाए फौजी तो मैं वो कहते दुनिया छड़ जा कन्न खोड़ के सुन लो इन्नी तारक नफीक मुसकला मैं थोड़े तो अंदर दो बड़िया अजीम शान चीज़ा छड़ गई उन्होंने बहुत उच्चा मरतबा उन्होंने कला की किताब है कुरान ये हिदायत नूर है ते तीन बारी ये फरमाया वाह जक्के रुकमुल्ला फी अहले बैती वाह जक्के रुकमुल्ला फी अहले बैती कि ऐ उम्मत मैं तुम्हें खुदा का खौफ दिलाना कि मेरे घर वाले ने बाज बद सलूकी ना करो इन्होंने जुर्म रजाती ना कि तीन बारी हजूर ने रोना पाया हजूर ने अल्लाह ने बतेरा इलम दिता सी बाज की होना कुछ नमूना वह भी थोड़े सामने आ जाऊ तो पैगंबरे खुदा ने दो चीज़ा उस खुतबे आख्या एक अजीन है एक कुरान है एक मेरे अहले बैत वो हजरत जैद बिन अरकम उस आदमी ने पूछा रावी ने कि हजूर है हजूर की बीवियां अहले बैत है मौका की गल है कुरान च अहले बैत रसूला की बीवियां हदीस चार और इस हदीस सारे हाशमी हजरत जैद बिन अरकम ने आख्या कि रसूला की बीवियां भी अजवाज के मुतहरात अहले बैत च मेरे इतने नहीं क्योंकि अजवाज मुतहरात का अहले बैत होना आरजी है वह एक निकाह का तल्लुक है हजूर तलाक दे दिन करो करी चलिया जाएंगी इतने वह हजूर के अहले बैत इस हदीस
जिन्हों का तलक टुट नहीं सकता। वह खून का रिश्ता उन्हें पूछा कौन है, फरमाया जाफर की औलाद है, अली की औलाद है, अकीर की औलाद है, अब्बास की औलाद है, इस हदीस मुराद है। आप तशरीह दे विच मौजूद है ये जरा आपने फरमाया कि मेरे यार बैतना बद सलूकी ना करो, इस मुराद इस तो किते रसूला दी दीवियां और उन्होंने बड़ा दर्जा। इन्नी जंग हुई अमीर उम्मत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मुल मोमिनीन दी, मगर उसने भी हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा गए लोगों को दावत देने लिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद करो। उस मिंबर ने फरमाया बे मैं हूँ भी आना है, हालांकि तुम्हें हज़रत अली की मदद लिए बुला आया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ, मगर उम्मत की मां है और मेरा ईमान और यकीन है बे इत्थे भी हजूर की बीवी है, जन्नत ही हजूर की बीवी है। उस वे मार इनी मुखालफत के बावजूद कह रहा है अज़वाज नबी के बाप बखरे, जो बीवियों का चैप्टर शुरू होया ना उस दिन हजूर की बीवियों का शान बयान होना है, जिन्हें रसूला के अज़वाज अहले बैत का बयान होया खानदान के लोगों का उदो उन्होंने तस्करा होना, जो चौहान की वारी आई उदो चौहान का बयान होना, मगर बीमारी या रोग जरा दसदा कि लोग जड़े ना मुतासर हो चुके। मसूद हम बी एस सी सुनिया होना जमातुल मुस्लिमीन वाले एक काम उन्हें चंगा भी किया कि जो लोगों ने कहना शुरू किया भाई यार हदीस में मनिए साबा कराम से बड़ा इतराज आता, हूँ भी कई बीमार यही आते हैं कि यार यह बुखारी में की मनना चाहिए ना साहब, एदा दीन जाता रहना फिर तुम बंद बचाते रहना दीन रुखसत हो जाना, बेटे आता इतराज आंदा अल्लाह माफ करे क्यों तुम दीन बंद मगर घुमा चाहते। रिसाला लिखा फिर मसूद अहमद ने भाई जो हदीसों तो इस तरह नठ दे ना बिना साबा कराम से बाद इतराज आ कुरान कुरान मजीद चो कट कर उन्हें आटा मारियां मूँह से ब्या जंगे वह तो दौड़ना कुरान मेरी सूरा आल इमरान दसता कि तुम रसूल की नाफरमानी की चर भज गया कुरान तो भी मुनकर हो जाओ। कुरान मेरी जंगे हुनैन दसता कि तुम उस दिन बड़ा फख्र कर रहे थे अपनी कसरत से कोई तुहाडा मान काम आया फिर तुहानू भजदा रहा ना लब्बा कितने सूरा मुमतहना उतरी जिसे आख्या हाथ मेरा भी बदला तू बदरी होके मक्के दे काफरां नू खत लिखदा जासूसी दे कि रसूला हमला कर रहा ईमान लिया ये क्या काफरां नू दोस्तियां कर रहे कुरान पेश कर करके कि सूरा जुमा आई है कि रसूला ने तुसी खुतबा देना छड़ के नठ गया। यह बड़ा मुंह तोड़िया उन्हें भी हूँ हदीसा का की करना कुरान भी छड़ दिया साबा इंसान आ गलतियां हुई अल्लाह माफ करने वाला मगर तुम ये मियार अगर बना लो बैठ चो तुराज लिखता नहीं छड़ दो कुरान ही छड़ना पै जाऊ जगह जगह दसता क्या गलती हुई है एक कोई तरीका नहीं दुआई खुदा दी तो पनाह मंगो वेखो सिर्फ गल पक्की है मन यह अगर है तो बाकी मामला अल्लाह ना सब अल्लाह बख्शे रहमत करे हकीकत का इनकार ना करो। तो अहले बैत सूरा हजाब च रसूला की बीवी है रसूल करीम की हदीस हजरत जैद बिन अरकम अली गदीर खुमड़ी उस सारे हाशमी है और जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने चादर थले लिया या उत मैदान च लै गए उस वे अहले बैत सिर्फ चार है हज़रत फातिमा रिया रसन हुसैन और इन्होंने फजाइल इन्ने मैं मुख्तसर वक्त तुहाडे सामने अर्ज करा किसी लंबी गल की जरूरत नहीं इन्हों दिन के खुले दिल मौलवी यही बयान कर दिया कहते ठंड पै जाए सारी अग बुझ जाए हज़रत फातिमा की की शान है कोई आदमी इस तो इनकार कर सकता भाई दुनिया की हर हदीस की किताब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा क्या तू इस गल पर खुश नहीं कि तेनों अल्लाह ने जन्नत की औरतों की सरदार बनाया। सही बुखारी कढ़ के वेख लो इस तो ही इमाम सुबकी का हवाला दे के फरमाते यार खदीजा और ऐशा जरा पाई रखो कि दर्जा उच्चा मगर इस गल पर लोहे तरीक ईमान लियाओ जरा असं अल्लाह की अदालत भी लैके पेश होना फातिमा के बराबर ना वो मां तना ऐशा यह सब थले है बीवियों का आपस मुकाबला फातिमा अल्लाह के रसूल ने सही दत्त ने साया हल जमा किया कि जन्नत की औरतों की सरदार है उस ना खदीजा बार है तो ना आयशा बार है यह सारिया आपस इन्हों के मुकाबले है अल्लाह के रसूल का फरमान है। सही बुखारी कहनी गलत हो रिकॉर्ड हो गया पूछ लियो भी क्यों भाई अल्लाह के रसूल है क्या नहीं कोई फातिमा ना बह रहा थोड़ा कि नहीं बयान करना जदों आया रोंदे रहनगे अम्मा आयशा साढ़े सरदार ताज है इतने भी हजूर की बीवी है जन्नत की बीवी और सिर्फ सुनिया का कह नहीं मैं शिया की किताबा जो उन्होंने दोस्तों ने विखा मैं तो एडे एडे मुतसर मानते कि हजूर दिया बीवियां इतने भी बीवियां तो जन्नत की बीवी वो किसी होर को नहीं जानिया यह वक्री गल है मगर हजरत फातिमा ना दुश्मनी ना करो बिल्कुल अल्लाह के रसूल सलाम फरमाया जन्नत की औरतों की सरदार और हजरत हसन और हुसैन के बारे मुतवातर हदीस एक तुंदा एक अद्धा रवायत करे शक हुंदा इन्ने अनगिन साहबा ने बयान किया अल्लाह के रसूल सलाम फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार नाल फरमाया वा अबूहुमा खैरुम मिनहुमा इन्हों का बाप इन्हों दोनों का यार है फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार। एक हदीस के तीन टुकड़े है कि हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार अली जरा इन्हों का बाप इन्हों दोनों तो बेहतर है और फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार अल्लाह के रसूल सलाम फरमाते मन हब्बा हसन व हुसैन जिन्हें हसन और हुसैन ने मुहब्बत की फकद हब्बा
वह मेरे नाल मुहब्बत करता वह मन आप गाजा हम आप गाजा बगाजा जेदा के दिल इन्ह दुआ के खिलाफ बोझा हजूर ने फरमाया मेरे नाल बोझ कर वह खुदा के बंदे इन्ह जुम्मियां से बयान होंगे रहन कोई नवे किसी की लौड़ नहीं रसूला ने जो शाना बयान कीतियां उन्होंने बयान करो और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फजीलत दी इस तो गां की होना कि रसूल करीम अलैहि सलाम ने एक मौका फरमाया अमा तरज़ा अन तकूना मिन्नी बेमंदरा ते हारूना में मूसा क्या तू इस गल से खुश नहीं कि अल्लाह ने तेरा दर्जा मेरे नाल इस उम्मत चो ही बनाया जरा हजरत मूसा अलैहि सलाम दे नाल हारून अलैहि सलाम दा सी इल्ला ना उला नबी बाद ही सिर्फ इन्ना फर्क है मेरे बाद हुण नबी नहीं कोई आना नबी वाली गल खत्म है उही तेरा दर्जा मेरे नाल ओही है जरा मूसा अलैहि सलाम दे नाल हारून अलैहि सलाम दा सी हुण हारून अलैहि सलाम दा दर्जा कोई मुसलमान भुला नहीं जड़ा भी जानता हजरत मूसा अलैहि सलाम तो बाद बनी इसराइल चो ही उन्होंने नाल दा कोई फरमाया क्या तू इस गल ते खुश नहीं कि तेरा मरतबा मेरे ना हो मैं सही बुखारी और सही मुस्लिम तक ही रहा बाकी अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम ने इस बारे कसर कोई नहीं छड़ी मैं लोगों को पूरी तरह तवज्जो दिलाई जाए मैं साहब उन नबी जिन्होंने रसूला के नाल अपने जान माल कुरबान किए उन्होंने ही मुकाम है उन्होंने तौहीन ना करो जिड़ी रसूला के घर आई अल्लाह ने उन्होंने बारे रखे लस तुना कह दिन नसा तुम होर औरतों वर्गिया नहीं तो अल्लाह ऐद के आखिर च आया इन अल्लाह कान लतीफन खबीरा बहुत आला खात्मा किया अल्लाह ने कि नबी दे घर वाली अल्लाह बड़ा लतीफ और खबीर बारीक भी ना और हर शायद तो बाखबर है इस तो इंतखाब वह गलत नहीं हो सकता और हदीस की किताबा पढ़िए तो रसूला ने कोई निकाह अपनी मर्जी ना नहीं किया एक वक्री गल है इंशाला कभी यहाँ भी बयान हो जरा निकाह किया खुदा ने चुनना किया पहला वही के जरिए हजूर उसके बारे दसया गया तद अल्लाह तला फरमाता इन अल्लाह कान लतीफन खबीरा जिस खुदा ने तुम्हें चुन के लिया उस तो कोई बात छुपी वह अगर तुम बुढ़िया होंगे नबी के घर तुम्हारा बड़ा बारीक बीन आ और हर शह की खबर रखता इस तो अल्लाह के रसूल भी बीवियों का बड़ा अल्लाह ने दर्जा बयान किया मगर उस दर्जे तो पर यह नहीं होना चाहिए बे हसन हुसैन तैयारी का बोझ से फातिमा का बंदा मुल लै रहा इन ऐले सुनत होता ऐले हदीस होने का निशान बना रहा वो किरा ऐले हदीस होने का निशान सही बुखारी मनाकिब किराबत रसूला हजरत अबू बकर कई शिया दोस्त कई जनी ने जी हजरत फातिमा गई जमीना का मुतालबा किया बड़ी तौहीन ने उन्होंने वापस किया गलत बात हजरत अबू बकर ने उसे साफ करवाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिह उस अल्लाह की कसम है जिदे हाथ मेरी जान है लकराबत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हब्बे लिया अन आसला मिन कराबती मैनू अल्लाह की कसम अपने रिश्तेदारों नेक सलूक करना उन्ना प्यारा नहीं जिन्ना रसूला के खानदान नेक सलूक करना प्यारा मगर की करिए जायदाद वक्फ है इन्ना मैं याकुल आल मुहम्मद मिन हाज़िल माल इस जमीना की आमदनी उदा ही रसूला का खानदान खाता रहूगा जिमें रसूला के जमाने से खर्चा उदा ही मिलेगा मगर यह तकसीम नहीं हो सकता ना यह माल जरा विरासत है माल सदका वक्फ है तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम नाल जिदा जिदा जिन्ना ताल्लुक है किसी का दोस्ती का किसी का रिश्तेदारी का कोई आपके दिल के टुकड़े है फातिमा तो बदा तो मिनी फातिमा फरमाया मेरा टुकड़ा फमनखदा बागदा बनी जिन्हें इनू नाराज किया ने मैनू नाराज किया एक तो गांह को गल हैगी अल्लाह के रसूल ने अपने नाल रात था इनू नाराज करने वाला मैनू नाराज करता और हदीसे पाक चैनना अदब किसी का हजूर ने नहीं किया हालांकि बेटी है अबू दाऊद शरीफ चाहता जे फातिमा आईया मिल रसूला खड़े हो गए अपनी जात और अपनी जात से बिठाया तो फातिमा रजीला मिलन गया तो वह अपनी जात उठ खड़ी हुई है बाप का मत्था चुमया तो अपने थम बिठाया हदीसे पाक चाहता रसूला जदों सफर किया अखीर जिन्हों मिलकर गया सारे तो वे फारग होकर आखिर से जिद मुलाकात की रुखसत हुए फातिमा तो सफर तो आया मस्जिद गया जाके दो रकत पढ़िया तो पहल जितों की जिन्हें मुलाकात की है वह फातिमा खुदा का ना मनो आफा तो मैं उन्होंने बेबादल किताब है बेतक फोबाद उन्होंने रहन दो जो कोई मनते कोई नहीं मनते असी अल्लाह की किताब के रसूल की सब गलों मनना असाब की शान आ जाऊगी साढ़े दिल तंग नहीं पैने चाहिए रसूला के खानदान भी आ जाए साड़ा दिल क्यों कुड़े और रसूला सलसलम की बीवियां का आवे साड़िया मावं महातुल मोमिनीन असी औलाद हों की तौहीन का क्यों सोची दिल जड़े इन्ह कीनिया तो पाक करो और किताबों दोनों मैं निशान करते कई नाराज होए होने मैं साफ कहना कि झूठ के पलंबे कोई शेख उल हदीस आलम जरा उन्होंने तो मुतासर लैके बह जाए एक एक सफे से मेरे ना गल करे अगर वह हवाले दुरुस्त निकलो सही हो हकीम फायदा लंबे मैं चेंटा कर फांसी दे दो बगैर इन्हें तो तुम मुतासर होंगे कोई रसाला फड़िया चल पै कोई गल नहीं है हजरत हुसैन रज़ी का तज़किरा दो हदीसा मैं बयान कर दिया खत्म करना फिर सवाल जरा शायद करे मर्जी और सब कुछ छड़ जो
ਇਹ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਗਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਰਸੂਲਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਉਮਰ ਮੋਮੀਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਰਜ਼ੀ ਰਸੂਲਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਹਾਜ਼ਾ ਇਸਨਾਦੁਨ ਲਾ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ੈਖਾਨ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ ਆਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਐਸਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾਤੁਲ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਜਲਦ ਅਲਮਾ ਅਲਮਾਨੀ ਕੱਲ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਜ਼ਲ ਅੱਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸੂਰਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਖਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਖਾਬ ਹੈ ਯਾਰ ਸੂਰਾ ਕਿ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਚ ਆ ਗਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਫਜ਼ਲ ਅੱਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਚ ਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਪੜ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਮੁਸਬ ਦੇ ਜ਼ਈਫ ਰਾਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਮਗਰ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨਦ ਦੀ ਦੁਆਈ ਦੇਈਦਾ ਸ਼ੇਖ ਹਦੀਸ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਮੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸਲਮਾ ਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਮੀ ਕੱਢੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਅਬੂ ਤਫੈਲ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਂ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਅਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਸ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਲਖਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਲਖਵੀ ਰਹਿਮ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪਰ ਦਾਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਰ ਹਦੀਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਜ਼ੀਨਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹੀ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪੈਗੰਬਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁੜਦੇ ਰਹਿ ਗਮ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਤਕਦੀਰੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਹੀ ਲਿਆਏ ਸਰਫ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅੱਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਉਸੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਾ ਦਮਲ ਹੁਸੈਨ ਵਾ ਸਾਹਬੀ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੜ ਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠੇ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਏ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਇਬਨ ਅੱਬਾਸ ਕਿਉਂ ਆਏ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਸਲ ਹੁਸੈਨ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਬ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੱਥ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਵਕਤ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹੜੀ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਾ ਪਿਟਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਬਾਕੀ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਆਸੀ ਬੁਰਹਾਨੇ ਕਾਤਿਲ ਦਿੰਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਖਾਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਦੇ ਇਹ ਆ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਖਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਖਾਬ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਅਬਦਰਸ਼ੀਦ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜੇ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਾਬੂ ਖਿਆਲ ਜੀ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਾ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਇਹਨੇ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਵਾਕੇ ਹਦੀਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਓ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਇੰਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾ ਰੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਬਨ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਖਾਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁਜੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਫਾਈ ਨੈਨ ਆਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਏ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਉਹ ਸਨਦ ਹਦੀਸਾਂ
अल्लाह के रसूल ने सब कुछ फरमाया तो फिर जिमें होर हजूर दियां गल्लां शौक ना बयान कर दे जे इन्हां नूं बयान कर दिया करो कि दिल च इमाम हुसैन ना बोल तो नहीं बढ़ गया। यह माड़ी गल बहुत बुरी गल है। हुसैन रजी को छोटी गल नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बार बार फरमाया। रसूल करीम अलैहि सलाम आए हजरत फातिमा जी घर सुते सी। रसूल आए मश्क लटकदी सी। दौड़ के हसन ने आख्या यार रसूल पानी दे नाना जी। आपने पानी कढ़िया दिता। उन्हें चर हजरत हुसैन आ चपटा मारे आपने आगे परा हो जा। तो हजरत फातिमा रजी ने कहा यार रसूल मरो मुंडा मैं तुहानू हसन ज्यादा प्यारा। आपने फरमाया नहीं फातिमा यह गल कोई नहीं मंगिया पहला उन्हें ते नाल फरमाया आना वही जा के वहादैन वाबाहुमा फी दरा चलते वाहदा फिल जन्नत। तू फिक्र ना कर मैं तू ये दोवें और आ जरा सुता पिया अली असी क्यामत दिन एक जगह इकट्ठे होना उत्थे असी एक दर्जे च होना जन्नत च। इस तो कई आंदे जी अम्मा आयशा ने रसूला दे नाल होना फलानी बीवी दे नाल होना ये किथे होने। बे रसूला नूं पुछ लो किथे होने जिथे हजूर होने उत्थे होने जान दे झगड़े। बेर गुरेआं तां तौबा करो। अहले हदीस होण दा जिहड़ा ना असल हक जो कुछ रसूला तो सही साबित हो जाए अलर रास वाला फिर मत्थे ते उहदे असीं नहीं देखना भी फलाने नूं फायदा होना फलाने नूं नुकसान होना। कोई नफे नुकसान नहीं। यह नफे नुकसान असीं वेखदे तुसीं सारे बैठे जे पूरी दुनिया की यार हजरत उमर रजी अल्लाह अनो जैसा बंदा जिन्हों हजूर ने दुनिया जन्नत की बिशारत दी उसका महल जन्नत वेख्या उन्हें जो फैसला करता भी तीन तलाक कट्ठिया दे तिने हो जाए वह की करता उन्हें। मगर असं मानने सारे को जरा आता अभी लिखते हैं भाई नहीं हजरत उमर रजी राय है रसूल के जमाने चो एक ही समझी जाए एक ही और लोग सारे सानू आते यार तुम हजरत उमर का ज्यादा सियाने जे सारे हिसाबा भी चुप रहा गल उन्होंने ठीक है। मगर अभी आने यार हजरत उमर ने जो समझा होगा उन्होंने राय उन्होंने रा जब रसूला का मनते हो हजूर के जमाने एक असं हजूर में रखिए कि हजरत उमर रखिए यह बुरा कहण नहीं तकड़ी जो तुरना पड़ता एक पल ज रसूला पै गया एक पास कोई सहाबी है या इमाम किहड़ा सानू कानून आता असं रसूला छड़ दीए बेतरानी कह दी असं उन्होंने लाल उस तरह कर इमाम है बूनी फल दूजे किड़े हदीस ने कभी गुस्ताखी की आंदा बड़े इमाम है उम्मत अंदर उन्होंने बड़े काम किए पर नबी जनी ना हो उन्होंने वही जनी कोई आई खुदा के रसूल ने उन्होंने बराबर ना करो जान दो इस काम। अरे समझो दीन का सतून है अगर असं रसूला के बराबर किसी होर समझना शुरू कर दिए जिमें खुदा के नाल शरीक जरा ना बदल तबाही अल्लाह के रसूल ना शरीक भी बिल्कुल तबाही। एक पासे लोग आते रसूलों अपने वर्गा समझ तौबा और जो मरातब की गल आई शान की अपने वर्गा चलते असने साहब सारे कट्ठे हो जाने इमाम रसूला के पैरों की खाक भी नहीं रसूला का जो मरतबा होना वह गल होर करो इंसान होना अलग अलग औलाद आदम है मगर मरतबा जरा दिता लाभ अखलोके रहमान मिसला मुहम्मद अखलोका बला ना रसूला वर्गा रब ने कोई बनाया ना बनाना वह अपनी जगह से मगर रसूला का जो एक फैसला आ जाए कोई मुसलमान अपने दिल से हथ कर रख के आके भी उस कि सुनी अल्लाह के रसूल भी सुनी है कि किसी होर भी सुनी एक मिसाल सुन के तुम खत्म करो कि हजरत जैद बिन साबित रसूला के कातबे वही है बाकी ने किसी ने कभी को लिखा पुराज नहीं यह मुश्किल कातबे वही सी बाप बेरा बुखारी कातबल वही हजरत जैद का हजरत अबू बकर ने यह ड्यूटी लाई कि तू ही रसूला के जमाने वही लिखता से कुरान ने एक था इकट्ठा कर दी बाद हजरत उस्मान रजी ने कमेटी बने उदों भी जैद बिन साबित जिम्मे लाया कि ये नुस्खे बया एडा आलम और रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया विरासत का इलम जरा सब तो ज्यादा जैद जान मदीने शरीफ हूँ औरत हज ली जा अगर उन्होंने हज जरा हज के अंदर तवाफ ज्यारत कर लिया अरफात तो लौट के वापसी के वक्त जरा तवाफ वो बीमार हो गई दिन आ गया अल्लाह के रसूल ने छुट्टी दे दी कि वह जा सकती ये तवाफ उन्होंने माफ है तवाफ लगा कोई करने की लड़ नहीं काफिले ने चली जाए मगर हजरत जैद बिन साबित कहते नहीं हजरत उमर भी आते नहीं करना ही पैना है भी रुकना पेगा करना पैना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी ने किसी ने पूछा की मसला उन्होंने आख्या रसूला ने छुट्टी दी है भी यह तवाफ छड़ सकती है तवाफ रजा जा सकती मदीने वाले कह लगे ना मुकलदा की तरह असं अपने शहर के मुफ्ती हजरत जैद बिन साबित की गल नहीं छड़ सकते वह फतवा देंगे बे करके जा। हजरत अब्दुल्ला ने फिर वो गल कही जी मैं थोड़े सामने रखी आखिरी कसौटी उन्हें आख्या ना अब्दुल्ला बिन अब्बास जी मनो तो ना जैद बिन साबित जी मनो उत्थे उम्मे सलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा है नस्ली माँ वो औरत है उन्होंने पूछ लियो कि रसूला ने की मसला दसा गए उन्होंने जाके आख्या अम्मा गल कर
आ रौला पै गया। इबन अब्बास आंदा कि तवाफ रोजा माफ है औरतों अगर हैज आ जाए। जैद आंदा करो, उन्होंने आख्या जैद एवं कहता जो इबन अब्बास क्या हो गल ठीक है, सानू औरतों को ज्यादा पता है तवाफ माफ है। लोगों ने जैद बिन थाबित दा फतवा छड़ दिता, उन्होंने ये जाके दसिया तो उन्होंने आख्या मैं बाद है अज तो नहीं मैं कहना ला इन्नी यार हदीसीयत है इनू कोई गैर मुकल्लदी क्या है कोई बुरा ना रखे रखता फिर गुस्ताखी यदा ना रखे गुस्ताखी कोई नहीं अल्लाह का रसूल मुकदम है दूजे दूजे अपने अपने मर्द जिते जिते उन्होंने थान सब इज्जत दे लै गया। मगर जो टाई पै गई मुकाबला आ गया कि इधर रसूल का फरमान है इधर दूसरे का उस वैसी कहे नहीं मननी अदब उदा करी जाना बुरा बिल्कुल नहीं कहना मगर कहना नहीं जी हज़रत सलाम है फैसला हो जाए जो अल्लाह के रसूल ने करता। इस पारों ये मुकामे आले बैत के सिलसिले जनिया कुछ हदीसा तुहाडे सामने आई हैं बहुत आ गई इन सारियां फैला के अपने खुतमे अरवाजा बयान करो। कोई खामी नजर आए तो उलमा निशानदेही करन नहीं तो मेहनत करो इन्हां दी भाई यार ये भी उसे सही बुखारी है सही मुस्लिम च यदा भी हक अदा करो ये भी बयान कर दिया करो कोई ये गल नहीं वो शिया के कोई नहीं तुहाडे उन्हां तो वध उन्हां खाम खा कब्जा कर लिया जे तुसीं बयान कर देने लोग उन्हूं क्यों जाते। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم کھلے دل نہ کسی دے دل کوئی سوال ہے کر اللہ شیخ بالکل بلا تکلف پوچھ لو جو خیریت ہے خیر یہ مسئلہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھیجا میرے حج بنا کے तो बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नूं भेजा गया सूरह बरात दी आयत नाज़िल हुई है तो कुछ लोगों का ज़हन है कि मेरे हज़रत सदीक अकबर नूं मौज़ूल करता गया सी। बिल्कुल ना वट्टू साहब ने जिवें फरमाया सीरत दी किताबां जिस तरह लिखा गया ना वो इहो ही नक्शा है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह आपने भेजा सूरह बरात उन्हें देती मुड़ के हज़रत अली रज़ी ने ऊँटनी अपनी सवार करके भेजता हज़रत अबू बकर ने देखा भी हजूर जी ऊँटनी की आवाज़ है ध्यान किया हज़रत चली सी उन्हें आख्या कहने आया उन्हें आख्या अल्लाह के रसूल ने आख्या सूरत तौबा की आयत उस को लै ला फिर तू ऐलान करना क्योंकि मेरे से वही नाज़िल हुई है भी जहाँ मैं सूरत तौबा लोगों को सुनावा या मेरे खानदान तो जोड़ा मेरे ही है ना जगह पर मेन थान ही उन्होंने समझा जाए वह इनू अदा करे ये बिल्कुल वट्टू साहब अगर इसे तरह ही ना फिर उन्होंने लोगों को मौका मिलता बे रसूला पहला नहीं सी पता बे मैं सुनाउनी है ये मेरे खानदान का बंदा मौला तोड़े ये अरब का रवाज आप दे पहला है नहीं अगर सी तो क्यों हज़रत अबू बकर किया फिर माजूर किया ये जो लोगों ने कर लिया तो उन्होंने नायल ही साबित कर ली इन पहला वह दे फिर हटा दीए लोगों को पता लगे भी एडा ही काबिल हों हजूर माजूर क्यों कर दे किस्सा गलत है ये बिल्कुल गलत गल है इदा कोई नहीं हुई हज़रत अबू बकर जैसे अमीरे हज बन के चले गए सूरत तौबा तो बाद उतरी उन्होंने हमदा तो कोई नहीं सुतरी फिर हज़रत अली रज़ी आपने दिती तो लैके गए तो हज़रत अली रज़ी बारे पूछे हज़रत सिद्दीक अमीर हम मामूर तू अमीर बन के आया तो मेरे हज जी या मामूर है उन्होंने आखिर नहीं अमीर हज तुसी जे मेरे दिन में सिर्फ आयतों का सुनने लगा आयतं उतरिया ही बाद जी सही है पहला कोई नहीं उतरिया हज़रत अबू बकर दे के नहीं खोई गई ये सारिया ज़ईफ़ और कमजोर रात जी जी गुजारिश है कि मुस्लिम शरीफ दे विच एक हदीस पढ़ी है कि मुस्लिम शरीफ दे विच हदीस एक पढ़ी सी कि सहाबी दा और एक यहूदी का झगड़ा होया यहूदी कहिंदा सी हज़रत मूसा का दर्जा ज़्यादा नबी तो सहाबी कहिंदे ने कि नबी सल्लम का वो झगड़ा होया तो थप्पड़ मारिया तो फिर वह नबी सल्लम दे कोल गए तो आपने पूछा भी तू इन थप्पड़ क्यों मारिया कि तू किस तरह जानना कि मेरा दर्जा ज़्यादा तो जिसल क्यामत के रोज़ मैं बैठा होवगा तो अर्श के साए के थले सतून के नाल हज़रत मूसा खड़े हो गए तो फिर उस फरमाया कि अगर तुम मेरा मुकाबला किसी के नाल करोगे तो लाजमी आ कि मैं मेरी बरतरी साबित होएगी और दूसरे नबी की कमतरी साबित होएगी जिन्हें किसी को कमतर बनाया वह तो जन जहनम लाजम हो गया तो ये देखो असी आम तौर के उत्ते असी कहने कि नबी सल्लम का दर्जा फलाने व्डा फलाने नबी का फलाने व्डा तुम हमने फरमा रहे भी अहले तो बैत के सारे जो नबी सल्लम के अगर मुकाबले रख्या जाए तो उन्होंने दर्जा कुछ नहीं तो फिर ये गुनाहगार नहीं होता जहनम लाजम नहीं होंगे जी ए मैं तो अपनी गल अंबिया सलाम का कोई नहीं कहना पिछले अंबिया का कुछ काबुल आया कि नहीं वो तो गल जी मुस्लिम शरीफ की हो जूगी मैं अब जी हूँ तकरीर हुई जरा ना रसूला दया साहब अजवाज की गल हूँ पिछले अंबिया का कोई तस्करा नहीं आया नहीं आया
जी भाई और उन्हें गल की ना कि सही मुस्लिम दूसरी किताबा की है कि यहूदी सी तो बाजार चुने आख्या बेहोश अल्लाह की किस्म है जिन्हें मूसा अलैहि सलाम सारे इंसानों तो आला बनाया तो मुसलमान ने थप्पड़ मारिया उन्हें आख्या नहीं अल्लाह ने रसूलों ने सबसे अफजल बनाया तो किस्सा हजूर अलैहि सलाम को गया तो नबी अलैहि सलाम ने आख्या भी मूसा अलैहि सलाम जिहड़े उन्हां दा दर्जा कि क़यामत दे सब बेहोश हो जाने सब तो पहला मैं होश चाहना मैं होश चाह के वेखना कि मूसा अलैहि सलाम अरशला पाया पकड़ के खड़े होने मेरे तो पहला ये मैनू नहीं इलम दिता गया कि उन्होंने बेहोश ही नहीं होना या होश मेरे तो पहला आ जाना यह सही बुखारी साहब मुस्लिम मुस्लिम हैगा कि होश पहला ही आए होने ये मैनू नहीं दसाया गया कि उन्होंने बेहोश ही नहीं होना या होश पहला इन्ना हजूर ने फरमाया ये तो जरा ना कि रसूला उन्होंने तो बेहतर नहीं यही मेरे भाई गल निकलती गल समझना चाहिए हर शायद अलग अलग मुकाम हूँ जरा ना कि नबिया के अंदर भी फर्क है वो तो कुरान मजीद चाहता तिल करो सिर फसलना बाद अमला बाद रसूलों एक दूसरे से अल्लाह ने फजीलत दी है कोई छोटा कोई उस तुआरा कोई तो गल जी पक्की है ना ये शक शुबा कोई नहीं अल्लाह ने किसी को कोई चीज़ दी किसी को कोई रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उसे सही मुस्लिम से फरमाया अना सैयद औलाद आदम कि मैं औलाद आदम का सरदार हाँ जिन क़यामत हमद का झंडा मेरे हाथ होना आदम रूद तो सुहास जिन्हें वो थले होने मैं आलम बरदार होना जितों तक हकीकत के बयान का तालुक ना कि रसूला सारे तो आला ये आपने कभी नहीं छुपाया दसिया एक क्या कि कोई जरूरत नहीं मुकाबला करके उन्होंने गिराना जिमें साडे शायरान खजे मूसा की है मूसा बेहोश हो गया हजूर रब न वेख के बेहोश नहीं बेहूदा गल ये तौहीन का पैरों निकलता तखीर और तकाबुल जो मुकाबले लिया के गिराना ये बेअदबी चाह दिता मैं आखा कि बटू साहब बड़े आलम अपनी जगह जना आखा फलाना जरा सामने कुछ भी नहीं ये खाम खादा एक बुरा अंदाज है रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने तद किया तो मूसा अलैहिस्सलाम कितने घट है उन्होंने भी आसान वो सिर्फ दसन लिये कि लोग जरा ला तुखयरू ने यह जरा ना इनू गिरा दूजे को बढ़ा ये ना कम कराया कर ये ना जायज बाकी अगर कभी जरूरत पै गई किसी ने पूछा कि नबिया चो कौन अफजल है हजूर ने बार बार फरमाया कि मैं अफजल सारे तो आला दर्जा मैनू खुदा ने दिता हूँ गल करो जदों तहकीर भी नहीं जितना को करूंगा शायरी नसर जिमें आते मूसा और ईसा जड़े उन्होंने जो कुछ सी सारा कल्या हजूर को है इदा जरा तकाबुल है जो उन्होंने गिराने की कोशिश की जाए दीन नहीं मन वो भी अल्लाह से भेजे होया बिल्कुल आला तो आला बाकी अगर ये मामला आ जाए तुम अपना अकीदा दसो बे रसूला बाकी अंबिया ने अफजल की नहीं वो कुरान हुई साफ दसते कि अफजल जी पूछो इस तरह की गल को है यह लंबिया चौड़िया गल्ला जड़िया ना मैं इसे तो नहीं खेड़िया सारिया नहीं मैं सिर्फ इशारा हूँ करता तो मैंने मिलना शुरू करो सारे हल हो जाने हजरत हुसैन रज़ी को बहुकमे यज़ीद कत्ल किया गया या ये उन कूफियों की साजिश थी जिन लोगों ने हजरत हुसैन रज़ी से बैत करने के लिए आपको बुलाया था आजकल सारे पढ़े लिखे बच्चे जानते दिस इनफॉर्मेशन देखे हुकूमत जी गलत तरह लोगों को देती है ताकि काम जो खराब किया जाए यज़ीद दर की हुकूमत जी कना तेल पा के नहीं सौगा बे लोग साड़ी बदनामी वह भी अफसाने फैलाते रहे कि हजरत हुसैन वापस आना चाहते थे वो कहते मैं यज़ीद तो लै चलो उन्होंने लोग रोकते रहे थे बड़िया बड़िया के नाल ही ताकि दलील बने भी सारे चोटी के हिसाब से उन्होंने रोकते जी मेरे खुतबे से तो इंशाअल्लाह हम छप जाएंगे अखा खुल जाएंगे इन्हें एक गल भी सच्ची नहीं ना किसी ने उन्होंने रोकया ना उन्होंने साथियों किसी गद्दारी की है ना खत लिखने वाले कोई बेईमान से सब झूठ है कि सारा नजरा उन्होंने पाता जाए नाल ही फिर गया ऐसी कोई गल नहीं हुई जिन्हें खत लिखे से उन्हें जाना दिखा और बड़े चोटी के लोग से कोई ऐरे गहरे नहीं इमाम हुसैन उत्थे रहा कूफे अपने वालद के नाल भी उत्थे रहा वो जानता सी बंदे कौन और उन्होंने चो किसी ने भी नहीं कभी ना लिया मैं देखना कि बड़े बड़े जामिया लिख देंगे कि सुलेमान मिलसर सबाई लीर था जे तो मैं आना इन्होंने बलडोज कर दौ कि सुलेमान मिलसर में सबाई आते सहाबीन जलीलन नबीलन फाजल एडा आला दर्जे का साबी जिन्हें अपने घर मीटिंग बुलाई माविया मर गया जीत में मुसलत कर गया पता चलिया कि हुसैन ने बैत इनकार करता शुक्र उठो और इस ताकूत का मुकाबला साहबी है रसूल और बाद चो ही बदला लैन उठा तवा बोन अपनिया जाना दतियाँ क्यों झूठ बोल दे नवी एक गल कड़ी आ ना हदीस की किताबा पढ़ते हैं ना रावी से जरा उलमा ने लिखा मैं तदे सितने का तुहाड़े सामने इशारा किया कि छोटी जी गल नहीं डर पर्दा चाहते हैं कि जो साढ़े सलफ ने लिखा रावी तर किताब दरिया बुरद हो जाए जो आखिर तहजीब तहजीब कढ़ो इमाम जहाबी दियाँ कढ़ो इन आते नहीं साढ़े बजुर्ग सारे बेवकूफ भाई ये फिर परवेजी वाली गल है भाई सारा पिछड़ा लिखा लुखा दरिया बुरद करो तुहानू कोई नवी बही हुई है नहीं तो किताबों के ना लाओ इबने तैमिया इबने कसीर है दादी एक इमाम का लाओ ना जरा शिया नहीं से जा सी जिन्होंने तुम मन सलफी मैदान चाहो
कढ़ो दी किताबा जिन्हें एक आप यजीद बड़ा नेक सी हुसैन नया सी जीओ से क्यों एक नवा ही दीन तुम फैलाना शुरू कर लेबल की लाता कि असी साहबा की इज्जत बढ़ा रहे बिल्कुल झूठ है हुसैन साहबी नहीं उसका बाप अली साहबी नहीं जिथे जलसा हो रहा जिस मस्जिद से हम दरस हो रहा अली ज्याह करता से अली भी उन्हीं हैसीयत ही नहीं रहती जिनी यजीद की और अरे हजीस खोदे बिल्कुल खुदा का गजब हो रहा और यह गुमराह करने की एक साजिश है रब का ना लो हुसैन समझनी मेरे खुतियां का इंतजार कर कुछ इन्हों चू गल नहीं हुई ना वो वापस मुड़ा उन्हें आख्या ना यजीद को जानता किया ना किसी साबी उन्होंने रोकया ना खत लिखने वाले कोई बेईमान से सारा कोई यजीदी हुकूमत का कारनामा से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और उमर इब्ने साद सारे वे ही हाकम से उन्हें अपने हथी मारिया और साहब मन रहे बस ही मारिया कूफिया ने उसे साजिश की करनी हजरत अली रज़ी ने छे माह हजरत बकर सिद्दीक रज़ी की बैत क्यों ना की हक रखता जिंदगी भर भी ना रखता और यही हजरत मुआविया यजीद का कसूर है कि वह बैत मंगते थे बैत मंगी नहीं जाती याद रखो बैत का मुतालबा ही जुर्म है बैत ना करना कोई गुनाह नहीं सिर्फ बगावत करना कोई आदमी उठ खड़ा हो गड़ असं नहीं परेज में शर्फ मानते वही कानूनी वाला बसान तंग करे बेहरान करो मैं ठीक है जमहूरीत सरकार ना असं अयूब नहीं वोट दिते समझते नहीं हक कोई आईन और दीन नहीं आता हैरान करो भाई जो इख्तलाफी राय रखते रख इसे समझो इस्लाम की खूबी है कि अली और हाशमिया छह महीने बैत नहीं की किसी नहीं पूछा कोई तशद नहीं किया क्या इन्हों की राय नहीं मैंने सही हक मनते ना मन गड़बड़ नहीं को कर रहे हजरत साहब बिन अबादा जो मदीने के सरदार से हजरत अली के छह महीने बाद हाशमिया के उन्हें मरदे दम तक नहीं की ना हजरत अबू बकर की कीती है ना बाद हजरत उमर की कीती एडा वड्डा कि मक्के जाके हजूर की बैत उन्हें की रसूला ने मदीने सारे का चार्ज उन्होंने दिता मेरे आने तो पहला तू ही मदीना था सईद उल नकबा थी हजरत अबू बकर की बजाय उन्होंने लोग खलीफा बनाया एक किस्म का जीन आ कि लोगों को क्या जाए तू बैत कर दे वो आंदा मैं नहीं जलो खलीफा मन तू इना मुतालबा कर सकता तो गड़बड़ ना कर ठीक मगर बैत कर मेरी मैं आना नहीं तू तेन मैं जायद खलीफा मना क्यों बैत कर बिल्कुल जुल्म है अंधेर नगरी आईन के खिलाफ है दीन के खिलाफ दीन कोई नहीं आता कि लोगों को जबरदस्ती बैत ले जाए इस तो अगर छे महीने बैत नहीं की उन्हें समझा भी सानू मशवरे शरीक नहीं किया दस दिता छे महीने बाद जो हजरत अबू बकर ने अपने मकान से बुलाया सही बुखारी और मुस्लिम दोहां च कि असी तेरे नाल कोई हसद नहीं करते जो अल्लाह ने तेनों हुकूमत दी है तो सानू कोई साड़ नहीं मगर यह गिरा जरूर है मैं रसूला के करीबी होने पर असं ये अपना हक समझे सानू मशवरे बुलाया जाए क्यों नहीं बुलाया रसूला की मैयत पई रही और असं हजूर को बैठे रहे तो जाकर उधर उस बैठक से फैसला कर रहा है हजरत अबू बकर सिर्फ रोंदे रहे बिल्कुल उस पर कोई जवाब नहीं दिता हजरत अली ने कहा रसूला का खानदान इस लायक भी नहीं मशवरे जी बुला लिया बाकी बाद मुसलमानों की बेहतरी उन्होंने आख्या चलो असं हंगामा नहीं चाहते इस्लाम खराबी नहीं चाहते बैत कर जी हजरत साहब मैंने वादा नहीं की वजीर खौम वाली रवायत है ना मदीना तुरन वाली बाबा मेलम का शहर के सनात के बारे भाई वजीर खौम वाली रवायत से कोई गल मेरे भरा ने जिसने लिखा कि वह वजीर खौम का खुतबा जरा मैं दस वे गल है कि मैं दो अजीम चीज़ा छड़ चलिया और नाल कि मन कुन तो मौला फाली मौला जो जो मेरे ना मुहब्बत करता उसे लाजम है करी ना मुहब्बत रखे हजरत उमर जैसे बंदे ने उठ के मुबारक देती कली मुबारक है मुबारक है कि अज तो तू जेवड़ा भी कलमा को क्यामत तक होना मर्द मोमन औरत उन्हों का मौला बन गया महबूब जो ईमान होगा तेरे ना मुहब ऐ हदीस नहीं उस मौका से फरमाई ये होर लिखी जाती है कि आपने फरमाया मैं इलम का शहर हाँ तो अली का दरवाजा यह सही नहीं मेरी सनत बहुत कमजोर है यह जई फरवायत है वह दो ठीक है तारिक उन फीक मुस्कलैन मन कुन तुम मौला फरियन मौला जी ए की हाफिज जुबैर साहब भी लिखा मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथियों मुखालफों को फर्ज मारा या नहीं है खुद ही शहीद होते रहे नहीं हाफिज साहब जंग हुई पूरी जिन्हें इन्हों को मारे गए अपनी तादाद तो ज्यादा मारे ने पहला जब तक मुबारदा से एक एक आंता से मैदान से ला ही गया सारे वह फिर उमर बिन साद ने आख्या क्यों मरण से तुले जे तो उन्होंने पता भी ये जाना तड़ी से लेके बैठे है ये तो मरण आए इन्होंने कोई नशा मैदान चो एदा वारी वारी जाके क्यों मरना जंगे मलबूबा करो सारे हमला कर दो और जो रश कर दिता फिर थोड़े जे साथी से शहीद हो गए पहला नहीं छड़ा जो आया मुकाबले वो सारी तफसील जड़िया किताबा उन्होंने खोल खोल के दस एक ने नबेड़े आता है जी वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब जरा बिदत के मुतल्लक थोड़ा सा बताएं और बिदत की क्या चाहिए तो बच्चा ये थी जड़ी गल हुई थी बारे ची सवाल होंगे बाकी बिदत के बारे ची तुसी पूछ ले हुन पूछ लो की वो खोल के दसो जी बिदत की कोई इकसाम है कहते हैं कोई बिदत होती है बिदत हसना और बिदत जलाला असल में बात ये बच्चा
कि जिन उलमा ने बिदत का लुगवी माना लिया, एक माना होता है लुगत में, जैसे सलात का माना अरबी जबान में लुगत में सिर्फ दुआ है, मगर हूँ अब शरीयत में यह नमाज के माना में बोला जाता है, रुकू सजदे वगैरह शामिल। तो लुगत में बिदत है हर नई चीज, बेशक वो अच्छी हो या बुरी हो, वो कहलाती है बिदत, दुनिया की हो या दीन की हो। इस लिहाज से जिन्होंने सोचा ना, उन्होंने को दो किस्में करनी पड़ी कि अगर वो दुनिया की चीज़ है, सवाब अजाब की बात नहीं, मतलब स्पीकर अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐनक लगा रहा हूँ, हवाई जहाज में सवार होता हूँ, ये कोई काफर मोमन ये समझ कर नहीं सवार होता कि जहाज में सफर में इतना सवाब है, गाड़ी पर इससे कम है, ये सवाब अजाब की चीज़ें नहीं। इसको कहा जाता है इतफाकत, कि जिंदगी गुजारने के लिए सूरतें, और इनकी अलामत यह है कि ये मुसलमान भी इस्तेमाल करते हैं, काफिर भी करते हैं। अगर ये बात हो काफिर को शरीक हो, जो ये समझ रहा है कि हर नई चीज, उनको ये फर्क करना पड़ा कि अगर वो नई चीज दुनिया से ताल्लुक रखती है, दीन की नहीं, वो होगी बिदत हसना। ये गाड़ियां और ट्रैक्टर वगैरह, इसलिए जो कहते हैं कि मौली साहब तो मैंने क्यों इस्तेमाल, वो नहीं समझे कि इसको सवाब के लिए समझे, ये काफिर भी लगा रहा, मैं भी लगा रहा। जब आएगी बात के दुरूद शरीफ पढ़ो, खाने पर खत्म पढ़ो, सिख हिंदू आपके साथ शरीक नहीं होंगे, ये आप करते हैं सवाब के लिए, अल्लाह खुश होता है, रसूल खुश होता है। इसको कहते हैं इक्तराबात, कि ये दुनियावी धंधे नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए सवाब के काम। जिन्होंने ये मुराद ली कि सिर्फ दीन में बिदत होती है, मन अहदा सा फी अमरे ना हाजा, हुजूर ने मैं अहदा सा नहीं फरमाया, फी अमरे ना हाजा, हमारे इस काम में दीन में नहीं निकाली, वो तो फिर बेटा एक ही किस्म करते हैं कि दीन में नई बात जो होगी सवाब अजाब की, वो बिदत होगी और बिदत इज़लालत होगी। और अगर बिदत लुगत वाली कि नहीं, बेशक दुनिया की हो या दीन की, फिर दो किस्में करनी पड़ेंगी कि अगर वो दुनिया की चीज़ें नई हैं, हजूर के बाद निकली हैं इजादें, उस वक्त तलवार और तीर था, बैठम बम, तो ये बिदत फिर हंसना बन जाएगी है? ये फर्क करना पड़े, बात दोनों की एक ही है। जो पहले ही बिदत का दायरा तंग करते हैं कि दीन में जो बात निकाली जाए बिदत, उनको तो दो शाखें नहीं करनी पड़ती, वो बिदत ज़लालत ही कहते हैं। जो कहते हैं कि दीन हो, दुनिया हो, नई बात जो हजूर के बाद निकली वो बिदत, उनको फिर फर्क करना पड़ता है कि अगर वो दुनिया की चीजें हैं तो वह हंसना है, अगर वो दीन की हैं तो ज़लालत ही। बात वही आ जाती है कि दीन में होगी तो दोनों ग्रोह मानते हैं कि वो ज़लालत ही हो। अब कोई मिसाल दें ना, मसला वाज़ह हो जाए। निशानी यही समझे कि जो काफिर मुसलमान दोनों उस काम में शरीक होते हैं वो दुनियावी धंधे हैं, उसमें नई बातें रोज निकलती रहें कोई बात नहीं। जब बात आएगी कि इससे अल्लाह खुश होता है, सवाब मिलता है, जन्नत मिलती है, वहां देखेंगे कि ये अगर हजूर ने नहीं बताई, हदीस में नहीं आई, तो क्यों नहीं निकालते। जी हजरत उस्मान रज़ी के कातिलों को सजा क्यों ना दी गई, जबकि इस वक्त हुकूमत हजरत अली रज़ी की बहुत अच्छी बात है, यही जहर फैलाया हुआ ना जो है हर जगह यही कह रहा, कह रही, इससे पता चलता ना कि फिर साफ कह दो, कह रही तो मुजरम ही था, वो उन कातिलों के साथ ही था, बात छुपाते क्यों, अंदर तुम्हारे जो खुबस है उसको नंगा करो, फिर अली तुम्हारा कौन सा खलीफा और वो साहबी रसूल क्या है जो कातिलों का साथी था। तो बात क्या थी, हजरत उस्मान रज़ी के कातिल जो थे ना, उनके बारे में मसला बहुत पेचीदा था, लोग तो बैठे ना जैसे कातिल है सामने, मार दो इसको, कातिल एक नहीं था, वो बगावत हुई थी, हर इलाके में लाखों लोग थे जो खड़े हो गए थे, बसरा भरा हुआ था, कूफा, मिस्र, शाम, सारे तो हजरत उस्मान के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अगर इतनी सरसरी बात होती, मदीना में मारा गया, करबला नहीं कि जंगल है, और एक बेख्तियार आदमी खलीफा है, 40,000 फौज है उसके पास मदीना में अंसार और मुहाजरीन की, ये जो कहते हैं हजरत हुसैन हक पर होते, सहाबी ना उठते, उस वक्त तो 5-10 से जिंदा बूढ़े, जब 40,000 मदीना में थे, उन्होंने क्यों नहीं बचाया और क्यों जनाजे में नहीं गए, अगर को बस कर दिए थे 600 ने तो साहबा क्या रहा है, फिर दो तारीफें करते वो दुनिया उठ देते, 600 ने डरवा लिए, और अगर कहो वो नाराज थे तो बात तो खराब हो गई, फिर कि वो सारे हजरत उस्मान से नाराज थे। बात ऐसी थी कि हजरत उस्मान के गवर्नरों ने गलत काम किए थे, हजरत उस्मान रज़ी पर किसी को एतराज नहीं था, वो घेरने वाले भी आप खुदा के लिए पता करें बहुत बड़े साहबी, कोई मकसद नहीं थे शराबी, वो बैठे रिजवान वाले थे। मैं अगर हदीस की किताबें और सीरत की ना देखता, इसी चक्कर में पड़े रहते कि शरारती आ गए, शरारती नहीं थे, अब्दुर्रहमान बिन उदैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बैठे रिजवान में शरीक थे, जो मिस्र को इकट्ठा करके लाए थे, जिन्होंने मिंबर से हजरत उस्मान रज़ी को उतारा और छड़ी तोड़ी थी, वो हजरत जहदा गफारी थे, वो भी बैठे रिजवान में शरीक थे, कोई शरारती नहीं थे और ना उनकी कोई बात गलत थी, सारी उम्मत उनके साथ थी, सभी इसी साहबा अनसार ने कोई मदद नहीं की, वो कहते बात ठीक करते कि क्यों आपने हजरत अबू बकर उमर के जमाने के लोग हटाए, ये क्यों ठोकरे मुसलत की हैं, वरीद में उकबा को कर दिया, कूफा में सही मुस्लिम देखे, शराब में नमाज पढ़ाई और कहने लगा और पढ़नी बेहोश, फिर कोड़े मारने पड़े, उन्होंने कहा साथ में वकास को क्यों मारूर किया।
जब हजरत उस्मान ने यह तकरीर फरमाई कि मैंने कुआं खरीद कर लिया, मैंने मस्जिद में, अब आगे जो उन्होंने कहा सहाबी थे वो कोई नहीं बयान करता, उन्होंने कब कहा कि आपने ये चीजें नहीं की? जवाब में उन्होंने कहा हम मानते हैं कि ये सब कुछ आपने किया है, मगर इसका ये माना थोड़ी था कि आप हुकूमत का निजाम इन ठोकरों के हवाले कर रहे हैं। वो पुराने सहाबी क्यों हटाए? सिर्फ एक बात पर वो होते थे कि वही लगाओ जो अबू बकर, ना कोई सिपाही ना कोई शरारती कुछ नहीं था, इसीलिए लोगों ने आपकी मजना की। और कातिल जो थे जब बगावत होती ना बेटा, अब शरीयत में, शरीयत में दो मसले, ये बागी बगावत के जमाने में कत्ल कर दे, माल लूट ले, बर्बाद कर दे, बगावत छोड़ देने के बाद जब वो सरेंडर कर दे उसके खिलाफ कोई केस नहीं होता। मगर इस मसले को अली समझता था, लोगों को क्या समझा, लोगों को तो ये था कत्ल हो गया, कत्ल हुआ, कत्ल आम बंदा करे किसी को, मैं आपको मारूं कि सास है, बगावत हो जाए, सारे साहबा का बगावत के दौरान वो लोगों के माल लूट लें, अनगिनत लोग मारे जाए, ये जैसे काफिर हरबी कलमा पढ़ ले, पिछले सारे मामले खत्म। बागी ने जब बगावत छोड़ दिया, खलीफे को तस्लीम कर लिया, मुकदमा नहीं बन सकता। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा आ रही है इस पर से, और इमाम शाफी का कि किसास तो बनता था मगर किसास को खलीफा मुल्तवी कर सकता, अगर खिला किसास लेने से हंगामा और बढ़ता हो और फसाद बढ़ता, जैसे हजरत जरीर ने जब आकर कहा कि हजरत मुआविया कहते हैं कातिल हमारे हवाले करो, तो आपने सुना कातिल उठ खड़े हो, जब 20,000 आदमी उठ खड़ा हुआ तलवारें आदमी क्या हो के साथ रहो, आपने ले लो के साथ जो ले सकता। चला जुबैर हजरत आयशा बसरे गए और वहां लोगों को कत्ल करना शुरू किया, जब असल कातिल आया जो सरगना था जुल फैसरा साहबी था, वो भी ये ठंडे हो गए, उनका कबीला आ गया मुकाबले में, क्या हो के साथ रहो। तो हजरत शरीर ने लिखा क्या वो लो ना किसास है, उठे जो थे किसान जुल फैसला को लो किसान, और अगर कहते कबीला आ गया तो मेरी तरफ नहीं देखते कि पूरी सल्तनत बागी हुई है और हजरत उस्मान के खिलाफ किससे मैं किसान हूं। तो लोग अगर सही हालात को पढ़े और इमामों की किताबें फिका भी पता चले कि वो सरसरी मामला नहीं था, कोई कत्ल हो गया कातिल सामने तो दे दो इनको किसास के लिए, वो बगावत हुई थी, बगावत का कानून पहले पढ़ लें कि बागियों से किसास लिया जाता। इस तरह तो अगर बागी ये समझे कि हमारी जान ही नहीं हुकूमत छोड़ेगी, वो क्यों हथियार डालेंगे, मर जाएंगे मानेंगे नहीं, उनके लिए यही काफी है कि काफिर जो है इस्लाम ले आए पिछले जुर्म बा, बागी बगावत छोड़ दे हुकूमत को तस्लीम कर दे, कोई केस उसके खिलाफ पुटअप नहीं होता। ये हदीस और फिका किताबें पढ़ाऊंगा जब आप तफसील से समझेंगे, ये शोशे जो छोड़े हुए ना ये जहर दिमागों से निकालें। खुदा के लिए हजरत अली चौथा खलीफा है, हम उसको अहले सुन्नत और अहले हदीस इमाम मानते हैं, खलीफा बड़ा, अगर ये शोशे रहे दिमागों में क्या इज्जत होगी उसकी। यही उन्होंने किया महमूद असीर फैज आलम ने, बल्कि फैज आलम ने तो रिसाला लिख दिया कि अली चौथा खलीफा भी नहीं है, यह है फैला रहा है यार हदीसों में। तौबा तौबा तौबा, कौन सा दीन है ये? फैज आलम सिद्दीकी, अजीमुद्दीन सिद्दीकी और महमूद अब्बासी इमाम गजाली के इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजाहत फरमा दें। कोई इमाम गजाली ये नहीं कहता, इमाम गजाली का तो कहना यह है कि जिस आदमी का कुफर पर मरना हमारे साबित नहीं, वो तो काफिरों के लिए भी कहते हैं कि जो हिंदू सिख ईसाई मरते हैं किसी को लानत ना करो ना बुरा करो, हमें क्या पता कि उसका अंजाम क्या। वो इमाम सूफी है, वो कहते हैं बस जो काफिर पक्के हैं ना, जिनका कुरान और हदीस में जिक्र है कि ये काफिर मरे हैं, सिर्फ उनको कहो, बाकी काफिरों को भी ना कहो, ये उनका ख्याल है। वो कोई यजीद को नेक नहीं समझते, वैसे उनका जहन है कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, जो काफिर दूसरे हमें क्या पता उनकी आखिर क्या, नेक उन्होंने नहीं कहा। उसी अहियाउलूम में देखते हैं कि उसने सुन्नत तब्दील कर दी, हलाल को हराम कर दिया, सारा पढ़े, ऐसा नहीं उनका जहन, सिर्फ वो वैसे कहते हैं कि जिस शख्स का खात्मा कुफर पर हमारे नजदीक नहीं, वो हिंदू ऐसे ईसाई, छोड़ो उसकी बात। अगर तो जुबैर अली ने फरमाया कि मैंने अली अजीम की बैत इस हालत में की है कि मेरी गर्दन पर तलवार है, ये सारे शोर, आप ये सोच रहे हैं कि अगर लोग ये कहते हैं कि यजीद की बैत जो थी जिन्होंने की है ना बेचारों ने, वो तलवार की वजह से की है, तो उस वक्त ये लोग कहते हैं सहाबी मर जाता तलवार की वजह से बैत ना करा। जरा दो रंगी देख लें, जब इतना जमाना बाद का हो गया, 20 साल हजरत मुआविया का शिकंजा कसा गया, यजीद की बैत लेने के लिए हुकूमत सारी लगी है, उस वक्त तो अगर कहना कि अगर चंद लोगों ने बैत की है साहब मजबूरी से, कहते तौबा तौबा। तो जब आप लिख रहे हैं उस वक्त जब अभी इस्लाम मजबूत था, जलील कर हजरत ज़ुबैर अशरा वशरा, तो कहते मैंने सार मैरी की बैत कर ली कि मेरी गर्दन पर तलवार, अगर ज़ुबैर बेचारा उस वक्त तलवार से डर कर बैत कर सकता तो क्या रहा आपके मुकदमा में। फिर यजीद की बैत भी जिन्होंने की है मजबूरी से की, अगर ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कर सकते हैं तलवार गर्दन पर है जो बिल्कुल गलत है, उन्होंने अपनी खुशी से की थी, हजरत तरह ने खुशी से की थी, कोई तलवार उन पर नहीं थी, सबसे पहले बैत करने वाले वही थे।
और ज़ुबैर तो वो हैं जो हज़रत अली की बैत उस वक्त भी करना चाहते थे जब हज़रत अबू बकर की फूफी के बेटे थे, ये तो उस वक्त नहीं मानते थे कि कौन है अबू बकर, मैं बैत करूंगा अली की, इससे बढ़कर कोई मुझे प्यारा नहीं। तो ज़ुबैर बेचारे ने क्यों तलवार के डर से करनी थी कोई बात, बिल्कुल जी और कोई है एक आधा सवाल तो कर लें, बस दुआ करें, बस दुआएं मेरी ज्यादा गदनखुल्ला साहब की, जिन्होंने बड़ी जुर्रत से काम लिया। वरना लोग कहते हैं ना अहले बैत की बात ना करो, मैंने कहा ठीक है दीन से ये हिस्सा निकाल दो, ये आते हैं रोजी से ना खत्म करो जी। गुजारिश है कि सूरह यासीन में आता है काला या लैत कौमी यालमून, हां बिमा गफर रब्बी वजा जी, की लद खोल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जाए जी, काला या लैत कौमी यालमून, तो वो मरने के बाद ही जन्नत में चला गया। तो ऐसा है कि आलम बरज़ख आता है, आलम दुनिया से, फिर आलम बरज़ख के बाद आलम हशर आता है, फिर कहीं जन्नत में जाना होता है अल्लाह के सामने दरबार में हाजिरी और मीज़ान और ये वो सारा कुछ फलांग के चला गया। ये बड़ा अच्छा सवाल भाई साहब ने किया कि कुरान मजीद में आता है कि वो सूरह यासीन में जो वो मोमिन था जब उसको कत्ल कर दिया गया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ जन्नत में दाखिल हो जा, तो उसने कहा काश मेरी कौम को, तो ये कहते हैं कि क़यामत के दिन हिसाब होगा फिर वहाँ जन्नत दोज़ख में जाएंगे, ये डायरेक्ट कैसे जन्नत में चला गया। तो बात असल में इस वजह से पैदा हुई कि लोग जन्नत को वही जन्नतुल फिरदौस समझ बैठते हैं ना कि बाग एक ही है, तो जन्नतुल फिरदौस जन्नतुल खुल्द वो नहीं है, ये बरज़ख में भी जन्नत और नार है, इसमें भी जन्नत भी, जैसे फरमाया कब्र और रौज़ा तुम में रज़ल जन्ना, कि कब्र जन्नत की क्यारियों से एक क्यारी है या दोज़ख के घरों में से एक घर, इसलिए वो है ना जन्नत जो आखिरी है वो मेरे भाई बिल्कुल सच्ची बात है, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद लोग जाएंगे नबी वली शहीद सारे, मगर अब भी जो लोग ना मरने के बाद या बाग में चले जाते हैं खुशबुएं और राह से जन्नत की हवाएं आती हैं, या वो बरसी दोज़ख की उनको बाग पहुंची, यहाँ भी जन्नत दोज़ख है। एक इश्काल है इसका फसल जवाब, फसल जवाब तो हज़रत हुसैन कूफा की तरफ किस लिए गए थे, अगर वो अपनी बैत कराने गए थे तो उस वक्त यजीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत कायम थी। मैंने एक हदीस सुनी है कि आपने फरमाया अगर कोई हुकूमत के खिलाफ खुरूज करे तो उसको कत्ल कर देना चाहिए, क्या हज़रत हुसैन हुकूमत के खिलाफ खुरूज करने के अपनी बैत कराने के गए थे? बिल्कुल मेरी बात यही है ठीक बेटा कि वो अपनी बैत कराने के लिए गए थे, इस हकूमत की बैत को गलत समझते थे, गैर आइनी समझते थे, जाबिर और ज़ालिम समझते थे, रहमतुल्लाह अलैह समझते थे, इसको कहते थे फास्क और फाजर, इसलिए इसकी हुकूमत का तख्ता ही उठना चाहते थे। कामयाब नहीं हुए तो कोई बात नहीं, सुल्तान टीपू शहीद मारेगा, कई साहबी मारेगा, तो ये नाकामी कोई नहीं होती, आदमी को हक पर होना चाहिए चाहे वो मारा जाए, ये मेयार कोई नहीं कि वो जीता या हारा, मकसद देखना चाहिए। जो हदीस आपने कही इसी ने हमारी तबाही कर दी इसके गलत मफहूम ने, कि जो बेईमान आ जाता है लोग कहते हैं हुकूमत के खिलाफ खुरूज ना कर। अब आप फतुल बारी की जरूरत देखें 12, उसमें इमाम इब्ने हजर लिखते हैं कि ये लोगों ने बिल्कुल गलत बात कर ली कि हुकूमत के खिलाफ जो होते हैं वो बागी होते हैं, वो कहते हैं सिर्फ इमाम बरहक जो होता ना जिसकी हुकूमत सही बनी हो, मुतकीर परहेजगार, लोगों ने अपनी मर्जी से चुना, उसके खिलाफ उठने वाले बागी होते हैं। और फरमाते हैं अगर हुक्मरान सुन्नत से हटे हुए दीन के खिलाफ हों, जालिम जायर हों, तो उनके खिलाफ उठने वाले अहले हक होते हैं और वो हाकिम बागी और जायर होते हैं। और वहाँ हवाला दिया बेटा हजरत हुसैन का और मदीने वालों का और कुर्रा का, कि जो हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ उठे थे कुरान के आलम, इसलिए किस आमक ने यह बता दिया कि हुकूमत हराम दादों की हो तो उसके खिलाफ उठना जुर्म है? ये आप रियायत देना चाहते हैं? ये हमारी अदालतों ने कमबख्तों ने इन हदीसों का ये तर्जमा कर लिया कि जो आज है शैतान का बच्चा शराबी जानी है उसकी हुकूमत मानो, कहाँ हदीस का मतलब? अगर कहीं किसी जगह आप पढ़ लें कि बीवी खावंद की इताअत करे तो माना उसका यह है कि जो गवाह करके ले जाए खावंद बन गया, पहले निकाह करे गवाहों के सामने खावंद बने फिर मसला उस पर अप्लाई होगा कि खावंद की इताअत की, जो खावंद ही नहीं खाम लिए फिरता, मेरी मिसाल जहन में रखो, जब उसकी हुकूमत लोगों ने बनाई ही नहीं जबरदस्ती, जिस तरह बनी है ना दिखा दूंगा आपको, रुपए बांटे गए, जो नहीं माना उसको तलवार के जोर से, इसके लिए बुखारी शरीफ निकाल दूंगा। आप खुदा के लिए ये रसाले छोड़े रहमतुल्लाह अलैह से तौबा करें, किसी ने उसको रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा, किसी ने काफिर कहा, बात तो यहां तक पहुंच गई। ईमान उसके बारे में बहसें हुई है इमामों की कि ये मोमिन भी रहा ये काफिर, आप रो रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह को, और दूसरों ने इस हद तक कहा कि सिर्फ हम काफिर नहीं कहते फासिक है, बिल्कुल एक भी अहले सुन्नत का इमाम और अहले हदीस का नहीं जो रहमतुल्लाह अलैह का, किधर आप जा रहे हैं? खुदा के लिए तौबा करें, ये शियों की जिद में आपने कहां से मनगढ़ंत बातें निकाल, और इसका हाल देखें जिसकी रहमतुल्लाह अलैह लिए फिरते हैं।
वो महमूद अहमदी अब बात चल गई दिखाऊं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में आके हजरत हुसैन रजी का सर काट कर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया, उसने छड़ियां मारी और हजरत अनस रजी ने कहा अल्लाह के बंदे तौबा कर, यहां तो मैंने हजूर को बहुत से देते देखा। अब इन लोगों ने क्या दिया जिक्र नहीं किया कि बुखारी, कहते नहीं अफसाना है, सीओ ने गड़ाओ सर काटा, कोई सर नहीं काटा गया। अब सही बुखारी और सही मुस्लिम तिरमिज़ी शरीफ में नहीं काटा गया, बाद में उसी इब्ने ज़ियाद का भी काटा गया और उसी महल में आया। और इमाम तिरमिज़ी सही सनद से लिखते हैं कि सांप आया तीन मरतबा उसके नथनों में घुसा और फिर चला गया, लोग तौबा तौबा करते कि ज़ालिम फस को ये बदला मिला। और वहाँ इमाम मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये इन्हें दुनिया में मिला वला अज़ाब आख़िरत शक, और आख़िरत का अज़ाब ही बाकी। कोई यार हदीसों का पढ़े, खुदा के बंदो छोड़ें ये छोकरे जो उठ खड़े हुए हैं ज़ालिम के लिए फिर दें, यानी सही बुखारी का इनकार कर दिया सर काटने का, सही बुखारी में है, ये सबाइयों की बातें नहीं है। जो हकीकत है मजहब शिया लिखी है, जाहिल इतना था उसमें लिखा कि इमाम मुस्लिम ने भी शियों के साथ बड़ा एहसान किया नेकी कि अपनी सही में लिख गए कि खिलाफत 30 साल है इसके बाद जालम बादशाह है, ये बड़ी नेकी की उन्होंने शियों के साथ उनको हथियार दे। मैं जो लाता उसका कहना यार ये हदीस जो है इसको बाद में देखें सही है या नहीं है इसका, भाई इमाम मुस्लिम गरीब ने कब ये लिखी, गरीब ने कब ये लिखी, इस जाहिर को ये भी नहीं पता कि ये सही मुस्लिम में है ही, बेचारे मुस्लिम ने ये कसूर नहीं किया, ऐसों की किताबें लिए फिरते हो, ये सारा कुछ उसी ने से नजर किया, बच्चे ने पढ़ी हुए निशान लगे हुए, खुदा के लिए वो किताब लेकर आ जाए मेरे पास, मैं असल किताबें निकाल के दिखा, आप खुद तौबा करें, इधर से काट लिया इधर से काट लिया, किसी ने वो कुछ नहीं लिखा जो उसने लिखा, बिल्कुल झूठ बोल दो, वो भी कुछ नहीं लिख सकता था, जाहिल था, लिखा तो महमूद अहमद अब्बासी ने जो हजूर को कहता था कि वो कुरान उनकी तसनीफ है, मुर्तद सा मुलज कहता था कोई भाई पैगम्बर खुदा की तसनीफ, जुमा नहीं पढ़ता था नमाज नहीं पढ़ता था, वो मौलाना अब्दुल रशीद नुमानी देवबंदी लिखते, मैं जाता था मरदूद के पास, बेदीन था, चीनी सफारत खाने में वो मुलाजम था, शोशा छोड़ा कि हुसैन बागी थे और यजीद रहमतुल्लाह अलैह था, ये दीवाने हो गए, कुछ शियों की बेवकूफियां थी, लोग तंग आए थे, इन्होंने कहा वाह मजे की बात मिल गई, अब उनको सताने के लिए ठीक है हुसैन। और मौलाना अब्दुल रशीद नुमानी कहते हैं तुम्हारी ये किताबें पढ़कर कोई शिया अहले सुन्नत हुआ, एक भी नहीं, यही किताबें स्टेजों पर दिखाकर उन्होंने लोगों को शीयत की तरफ कर लिया कि यार इनका पर्दा सुनियों का खुल गया, ये इमाम हुसैन को नहीं मानते, उल्टा अपनी बदनामी करा ली, कुछ नहीं मिला, अपने अकीदे खराब कर लिए। हालांकि हम हजरत अबू बकर अली उमर उस्मान की तरह अली को भी मानते थे, हुसैन रजियों का मानते थे, ऐसी बदमाशी फैलाई ना हदीसों की तरफ आते हैं, रिसाले लिए फिरते कि फैज आलम ने लिखाई है, और रिसाले बेटा जिसने भी लिखा आ जाए मेरा बच्चा, वो किताब हाथ में ले ले, निकाल देंगे किताब मुझन से उन्हें हवाले दी। अब तहजीब तहजीब इमाम हजर की 12 जिल्दों में रावियों पर यजीद बिन मुआविया का निकालें सनद देकर एक एक रावी पर लिखा कि सिका हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो खुद मरवान का पोता मगर खलीफा राशिद था, उसके सामने एक शख्स ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन यजीद, आप तो ऐसी बातें कर देना, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा इसको 20 कोड़े हुआ, अगर यजीद मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन तो इस्लाम पर सलाम ही है, ऐसे लोग मुसलमानों के अमीर बन जाते। तो ये हदीस भी मैंने वादे कर दी, सुन लो ये उन खलीफों के बारे में जो उम्मत अपनी मर्जी से चुने, कोई जबरदस्ती नहीं, हो वली खुदा का, बाद में अगर वो गलत काम करे तो उसके खिलाफ जल्दी नहीं उठना चाहिए, समझाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर जिसकी खिलाफत ही बेबुनियाद हो गैर आईनी, जैसे मौजूदा हुकूमत कि जबरदस्ती तख्ता उड़ कर कब्जा कर लिया, ना कोई आइन में इंतखाब ना कोई बात, ऐसे गासिब की हुकूमत को खिलाफत नहीं कहते, उसके बारे में हदीसें नहीं कि उसके खिलाफ ना उठो, ये सही खलीफों के बारे में जो सही मुंतखब हो, मेरी वो मिसाल याद रखना कि पहले खावंद बने फिर वह हदीसें पढ़े कि खावंद की इताअत करे, ले गया निकाल कर ना निकाह किया, ऐसे आदमी को कहां से वो हदीसें काम देगी खावंद की इताअत, पहले खलीफा बनो तो सही, खलीफा वो बनेगा जो हजरत उमर रजी ने कह दिया कि अगर अबू बकर की तरह आप कोई खलीफा बने, हजरत अबू बकर तक का कह दिया कि मशवरा लिए बगैर 2-4 आदमी फैसला करें, फरमाया बैत लेने वाले और करने वाले दोनों के सर उठा, सही बुखारी फरमाते हैं बैत कोई लोग किसी की घर का मामला जागीर है, ये उम्मत चुनेगी मशवरे के बगैर कोई नहीं चुन सकता, इसलिए ये जो कहते हैं जमहूरियत कुफर है ये भी नादान है, हजरत उम्र तो कह रहे हैं कि मशवरे के अब ठीक है कि लोग चूंकि जाहिल हैं वो बुरा चुनते हैं, ये तो हमारी अपनी का मकसद है, लोगों को नेक बनाएं उनको सिखाएं कि अच्छा चुनना है, ये तरबियत की कोशिश करें बंदे अच्छे बना दें अच्छा चुने, मगर चुनाव के बगैर गुजारा नहीं, अगर लोग नहीं चुनेंगे जबरदस्ती को बैठेगा कौन उसकी बात मानेंगे, लोग उसका कोई हुक्म नहीं मानेंगे, तावन नहीं करेंगे, रिजाए आम्मा का उसूल के पब्लिक उस पर खुश हो,
ये हुकूमत करने के लिए जरूरी है, वरना नबी ये वक्त भी होगा तो हुकूमत नहीं कर सकेगा क्योंकि लोग उसको नहीं चाहते। ये दुनिया की हुकूमत करने के लिए जरूरी है कि रहा साथ हो, इसी को जमहूरियत कहते हैं कि ज्यादा लोग उस पर खुश हो। अब ज्यादा को नेक बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि दीन सिखाएं, ज्यादा नेक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अच्छा ही चुनेगी। बड़ी खुशी, अल्लाह खैर से रखे। और भी सवाल होंगे तो ले आए। अल्लाह ताला शिफा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबी अजमईन। اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم استعملنا بسنة نبيك وتوفنا على ملته وعيذنا من مضلات الفتن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي اللهم اشفي اللهم اشفي اللهم اشفي يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين امين يا رب العالمين। قاری صاحب اللہ مسجد نو آباد کرے، ایدی رونق دوبالا کرے، بالکل کھلا دل کر کے جو جی چاہندا سوال لے او سمجھن دی کوشش کرو، ہر ترمی چھڈو।